नेशनल एकेडमिक ऑफ मेडिकल साइंस के इस 2022 को कन्वोकेशन में आज हमारे बीच में श्री अजय सूद जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के वैज्ञानिक सलाहकार श्री अतुल गोयल जी, इस एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार सरन जी, इस एकेडमी के स्टेट की चेयरपर्सन डॉक्टर एम आर जैन साहब, डॉक्टर उमेश कपिल जी, इस एकेडमी के सेक्रेटरी, आयोजन समिति और स्टेट के सचिव श्री गौतम जी, सुधीर भंडारी जी, राजीव जी, नीति आयोग के वीके सारस्वत जी और देश भर के आए सभी डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर्स, मैं राजस्थान की धरती पर जो शौर्य की धरती है, जो वीरता की धरती है, जो भक्ति की धरती है, जहाँ की संस्कृति पधारो हमारा देश की संस्कृति है, उस राजस्थान की धरती पर आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि मैं भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता हूँ, राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र, मेरा लोकसभा का संसदीय क्षेत्र है। राज्य की विधानसभा में भी मुझे 3 बार रहने का मौका मिला। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान ने मेडिकल साइंस और विज्ञान में एक नई प्रगति की है, चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो। इसमें अपनी अनेक क्षेत्रों में व्यापक उपलब्धि है और इस अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर शिव सरन जी, जो राजस्थान से हैं, एसएमएस से पढ़े हैं, आज पूरे देश के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में एक अथॉरिटी है। मेरे तो गार्जियन है, इनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है और प्रसन्नता होती है कि ऐसे कई हमारे प्रोफेसर जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर देश भर के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च किया, इनोवेशन किया, मेडिकल साइंसेस के अंदर बदलते परिप्रेक्ष्य में अपने आप को नए परिवर्तन के युग के साथ चले। क्योंकि यहां पर जो हमारे पुराने एमरिट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वह एक लंबा अनुभव उनका चिकित्सा क्षेत्र में रहा है और उन्होंने उस समय काम चिकित्सा क्षेत्र में किया जब संसाधनों के अभाव थे, रिसर्च इनोवेशन के अभाव थे, टेक्नोलॉजी का भी जमाना नहीं था। जो कुछ भी अपना ज्ञान अनुभव, जो कुछ भी अध्ययन प्रशिक्षण किया, उसके आधार पर देश को स्वस्थ रखने के लिए
एक समर्पित, एक मानवीय सेवा के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, और उनकी समर्पित सेवाओं के कारण ही, उनकी समर्पित कार्य संस्कृति के कारण ही आज चिकित्सकों का सम्मान है। ये सम्मान और कोविड के समय, जब दुनिया के अंदर इस वैश्विक महामारी की भयंकर आपत्ति विपत्ति थी, उस समय देश के चिकित्सकों ने जिस तरीके से मानवीय सेवा से अपने जीवन को दांव पर लगाकर उस कोविड महामारी वायरस, जिसका पता नहीं था, जिसकी दुनिया के विकसित देश भी उसका रिसर्च नहीं कर पाए थे कि क्यों है, किस कारण है, काफी लंबे समय तक हम भी लगातार डॉक्टरों से चर्चा करते थे कि कोई दवा है, कोई दवा है, तो सब डॉक्टर बोलते भाई एक दवा है, अभी कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है अभी यही है। लेकिन उस समय भी जिस तरीके से देश भर के चिकित्सकों ने सेवा की, एक लंबे दशक बाद जो हमारे पूर्व प्रोफेसरों ने जो सेवा समर्पण से प्रतिष्ठा पाई थी, उसको वापस प्रतिष्ठित करने का काम किया। क्योंकि एक कालखंड आया था जब किसी न किसी तरीके से चिकित्सकों पर नैतिक रूप से, जब समाज में सभी जगह नैतिकता कमी हुई, तो उसमें चिकित्सक भी थे, लेकिन उस संकट के समय, संकट के समय आपने फिर बता दिया कि डॉक्टर भगवान होता है, यह आपने प्रमाणित करके बता दिया। और मुझे खुशी है कि इस अकादमिक 1961 के अंदर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अकादमी की शुरुआत की, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1963 के अंदर इस अकादमी के कन्वोकेशन में आए, उसके बाद माननीय कई राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, इसके सदस्य पूर्व राष्ट्रपति हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अब्दुल कलाम आजाद इस अकादमी के सदस्य रहे। इस अकादमी की, एकेडमी की एक व्यापक प्रतिष्ठा है। और आज भी इस प्रतिष्ठा को 62 ईयर बाद भी, आज में नए एसोसिएट फॉलो, एसोसिएट नए फेलोज को, न्यू फेलोज को, सबको बधाई देता हूं जिन्होंने इस एकेडमी के सदस्य बने। और उस समय जब यह विचार आया था कि देश के जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, मेडिकल साइंसेस के अंदर सर्वश्रेष्ठ काम किया है, उनकी ऐसी एक एकेडमिक बननी चाहिए दुनिया के अंदर। डॉक्टर शिव सरन जी बता रहे, दुनिया में हर जगह एकेडमिक है, वहां उस एकेडमिक के अलग अलग प्रक्रिया है, काम है। और ये कोई आजादी के बाद नहीं, हमारे तो प्राचीनतम समय में भी हमारे गुरुकुल जितने भी हुआ करते थे, उसमें जो अच्छे
शिक्षक भी हुआ करते थे, विद्यार्थी भी हुआ करते थे, उनको भी एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी आपस में मिलकर उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार चर्चा करते थे, संवाद करते थे। इसीलिए कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है, और हम दुनिया के अंदर भारत लोकतंत्र की जननी इसलिए कहते हैं कि हमारी प्राचीन तक जीवन पद्धति में लोकतंत्र था। हम सामूहिकता से बात करते थे, चर्चा करते थे, संवाद करते थे और सामूहिकता से निर्णय करते थे। उस निर्णय को सब गांव मानता था, उस समय जो कुछ भी कस्बे हुए करते मानते थे। आज भी हमने कोरोना के समय इस समय सामूहिकता के साथ सब मिलकर कोरोना जैसी चुनौतियों से लड़ा, फिर हमने साबित कर दिया कि हमारी सामूहिक कार्य संस्कृति सबसे बड़ी ताकत है। और आज भी आपने 62 ईयर के बाद भी आपने देश भर के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो नई टास्क है, क्यों मेडिकल साइंस में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ जिस समय ये एकेडमी बनी थी उसके बाद से, न उस समय हमारे पास संसाधन हुआ करते थे, न रिसोर्स हुआ करते थे, न हमारे पास नई तकनीकी थी, न डिजिटल का जमाना था। किसी देश में अगर एक रिसर्च हुआ हो, कोई नया इनोवेशन हुआ हो, उसके सालों बाद किसी देश तक उसकी जानकारी पहुंचती थी। संसाधनों के अभाव होने के बाद भी उस समय का एक विचार था कि हमारे पास जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति, जो चिकित्सा विज्ञान है, उसका हम किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र के अंदर काम करने वाले लोग जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान के अंदर, रिसर्च के अंदर जो कुछ भी काम किया है, हम आपस में चर्चा कर बातचीत कर अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को, जो आपने अनुभव किया, जो कुछ भी आपने विज्ञान के अंदर जितना अध्ययन किया, जितना उस समय जो कुछ भी पद्धतियां थी, उन पद्धतियों के आधार पर आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाने का काम किया। आज समय परिवर्तन हो चुका है, मेडिकल साइंसेज में भी बहुत परिवर्तन हुआ है, डिजिटल का एक नया युग शुरू हो चुका है, तकनीकी विज्ञान में हम आगे बढ़ रहे हैं, रिसर्च इनोवेशन के अंदर भी हमारी संस्थाएं खड़ी हो रही है। दुनिया के अंदर आने वाले समय के अंदर भविष्य में हम विकसित राष्ट्रों से विज्ञान टेक्नोलॉजी रिसर्च के अंदर प्रतिस्पर्धा कर सके, क्योंकि हमारी बौद्धिक क्षमता, कड़ी मेहनत तो हमारे संस्कार है से ही। आवश्यकता थी कि हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर, हमारे विश्वविद्यालयों के कैंपस में एक समय रहा लंबे समय तक जब हम बौद्धिक क्षमता, शिक्षा का ज्ञान तो देते रहे, लेकिन बदलते परिस्थितियों के अंदर हमने उन विश्वविद्यालयों को रिसर्च इनोवेशन के सेंटर नहीं बनाए, और दुनिया के कई देशों ने उन विश्वविद्यालयों को रिसर्च इनोवेशन के सेंटर बना दिए। उनके कारण जो कुछ भी नई बीमारियां वेरिएंट आते थे, वो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी उसको शोध करते थे, रिसर्च करते थे, और दुनिया को अपने बनाए पेपर प्रेजेंट करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमेशा नई सोचते हैं, नए विचार करते हैं, जिनका एक नया विजन है भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, उन्होंने देश के अंदर
हमारे अजय सूद जी जैसे जितने भी अच्छे वैज्ञानिक हैं उनको सलाहकार रखें और भी अच्छे सलाहकार रखें, बेस्ट डॉक्टरों की टीम बनाइए, जो जिस क्षेत्र के अंदर जो बेस्ट काम जिन्होंने किया, सर्वश्रेष्ठ काम किया है, वो सारी टीम बैठे चर्चा करे, संवाद करे, जो कुछ भी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, हम भारत के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं, इस विचार से काम किया, और जब चुनौतियां आएगी तो समाधान होगा। इसलिए डॉक्टर सलीम साहब ने कहा कि नए जवानों को हमेशा चुनौतियों से लड़ना चाहिए, आपदा से लड़ना चाहिए, और हमारी बौद्धिक क्षमता पर हमें गौरव होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी नया वेरिएंट आएगा, नई गंभीर बीमारी, उसका रिसर्च का सोच हम करेंगे। हमने ये कर भी दिखाया है, आने समय भारत नेतृत्व करे मेडिकल साइंस के अंदर। यह हमारे नौजवानों की क्षमता पर हमें भरोसा होना चाहिए। और आपके पास बड़े वरिष्ठ प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में, या कितने डॉक्टर बैठे जिन्होंने जीवन के अंदर कई मरीजों को स्वस्थ किया है। मरीज और डॉक्टर का भरोसा होता है, वह केवल मरीज से, केवल बीमारी से नहीं जुड़ते, उसकी संवेदना के साथ जुड़ते, उसके जीवन के साथ जुड़ते हैं, और उनके साथ जीवन से जुड़ते हुए उसको किस तरीके से उसमें कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो, और ये विश्वास भरोसा दुनिया के अंदर है तो भारत के अंदर है कि डॉक्टर और मरीज का एक विश्वास भरोसा है। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, इस विश्वास भरोसे जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक करके भेजेंगे, और हमारे सभी डॉक्टरों ने बेस्ट जितना उनका ज्ञान था, अनुभव था, वह सब कुछ वो कोशिश करते हैं कि मेरे पास जो मरीज आया वो स्वस्थ होकर जाए। हमेशा डॉक्टर का इसी विजन से काम करने का विचार रहता है। उसके कारण ही मरीज और डॉक्टर का हमारा अच्छा संवाद, संवेदना के साथ काम करने के कारण ही आज भारत में हमारे चिकित्सकों की प्रतिष्ठा है। मुझे आशा है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी इस विषय पर और नए जो टास्क फोर्स बनाए, जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नई बीमारियां आ रही है, जो हमारे जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे खान पान, हमारी जीवन जीने की शैली, उस बदलती परिस्थितियों के अंदर केमिकल्स का ज्यादा उपयोग, उन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, हम भी उस परिवर्तन की को किस तरीके से एक कदम आगे चलकर हर गंभीर बीमारी का इलाज हमारे पास हो, हमारे पास केवल गंभीर का इलाज नहीं हो, गंभीर बीमारी के होने के कारणों पर भी अब सरकार भी रिसर्च करने लगी है, इनोवेशन, जितना पैसा बीमारी के बाद रिसर्च इनोवेशन में खर्च होता था, सरकार ने भी दिशा परिवर्तन किए, अब बीमारी होने के कारणों पर भी रिसर्च और इनोवेशन किया जा रहा है, इस दिशा को परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। हमें भी और बढ़ना चाहिए कि बीमारी होने के क्या कारण है, इसलिए हम बीमारी होने के कारण को अगर ठीक से समझ लेंगे तो बीमारी होने से बचाएंगे, तो एक ज्यादा बेहतर स्वस्थ भारत बना पाएंगे। और आप सब पर यह जिम्मेदारी है कि दूर दराज के गांव के अंदर बैठे व्यक्ति को भी हम स्वस्थ रख सकें, हमारे ज्ञान अनुभव का लाभ इस डिजिटल युग में दूर दराज में बैठे व्यक्ति को भी मिले, जो बीमारी से अज्ञान है या बीमारी पे जानते हुए भी धन का अभाव है। और इसीलिए मैं देखता हूं कि डॉक्टर शिवसरन जी हमेशा पार्लियामेंट में भी आकर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से यही चर्चा करते रहते हैं, और उनका हमेशा एक प्रयास रहता है
कि देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि जिन्होंने देश की जनता ने जिनको चुनकर भेजा है, चाहे पंचायत में भेजा हो, चाहे जिला परिषद भेजा हो, चाहे नगर निगम में भेजा हो, विधायक बनाओ, सांसद बनाओ, उन सब की भी एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है कि अपनी जनता को स्वस्थ रखना, और उसके लिए वे चिकित्सकों से संपर्क करें, समय समय पर अपने क्षेत्र में होने वाली बीमारियों की जानकारी उनको भी हो, और उन चिकित्सकों के साथ मिलकर परामर्श कर किस तरीके से संभावित बीमारी को रोकने के क्या इंतजाम, और बीमारी होने के बाद उसका कैसे बेहतरीन इलाज हो सके, इस दिशा में लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आग्रह पूर्वक संसद में आते हैं, वो इतने बिजी होने के बाद भी अपने अधिकतम कार्य व्यवस्था होने के बाद भी उनका सबसे प्रथम प्राथमिकता रहती है कि मैं संपूर्ण देश के अंदर जो भी मेरे को एक्सपर्टाइज लीवर के मामले में है उसको सामान्य मानवीय को मैं सामान्य जानकारी के आधार पर होने वाली इस बीमारी के बारे में और बीमारी होने के कारण के बारे में देश की हर जनता तक संदेश पहुंच जाए। उसी तरीके से हमारी ये एकेडमी भी, जो अलग अलग प्रोफेसर अपने अपने क्षेत्र में जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने विज्ञान टेक्नोलॉजी और नई साइंस के अंदर नया डेवलपमेंट किया है, मैं चाहूंगा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं से सब हम जुड़े और हर लोकतांत्रिक संस्था के जनप्रति और डॉक्टरों का एक संबंध रहे, ताकि वह अपने क्षेत्र की जनता को स्वस्थ रखने के लिए उनका प्रयास रहे, आपका मार्गदर्शन रहे, तो हम बेहतरीन स्वस्थ भारत बना सकते हैं। और हम सब यहां पर आज इसलिए आए, हमारा यह संकल्प है कि हम हमारे देश को स्वस्थ रख सकें, इसलिए आप अपने जीवन को की सारी सेवाएं, ज्ञान, अनुभव को इस देश को समर्पित करने के लिए यहां पर चर्चा संवाद के साथ आए, और नए आने वाले नौजवानों को भी जो आपने ज्ञान अनुभव प्राप्त किया उसका मार्गदर्शन नौजवान पीढ़ी को भी मिले। मुझे आशा है कि जो एकेडमी जो चर्चा संवाद करेगी, बातचीत करेगी, उससे एक बेहतर परिणाम निकलेंगे। और जैसा आप लोगों ने तय किया है कि हम 24 टास्क फोर्स पर अलग अलग ग्रुप बनाकर होने वाली बीमारियों के कारण, बीमारी के बाद हमने जो भी रिसर्च किया है, इनोवेशन किया है, दुनिया के अंदर जो भी रिसर्च इनोवेशन हुआ है उसका बेहतर इलाज कर सकें, क्योंकि भारत वो डेस्टिनेशन है जहां सस्ता इलाज होता है, सुलभ इलाज होता है, बेहतरीन इलाज होता है, दुनिया के बड़े से बड़ा देश का व्यक्ति भी भारत में इलाज कराने आता है। जो दुनिया के अंदर भारत के डॉक्टर हैं, जिन विकसित देशों के अंदर, वहां उन डॉक्टरों की प्रमाणिकता, विशिष्टता है, वहां भी वो भारत के डॉक्टरों को सबसे पहले याद करते हैं। ये हमारे यहाँ के चिकित्सकों की बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के कारण ये ताकत, शक्ति बनी हमारी। मुझे आशा है कि जिस उद्देश्य के लिए ये एकेडमी बनाई थी, उन उद्देश्यों को हम पूरा करेंगे। अब हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास संस्थाएं भी खड़ी हो चुकी है, सभी संस्थाएं आपस में समन्वय कर आपस में अपने अपने जो कुछ भी हमारे रिसर्च इनोवेशन देश और दुनिया के अंदर, उसको किस तरीके से एक टास्क फोर्स बनाकर हम बेहतरीन तरीके से काम कर सके। मैं इस मौके पर सभी लोगों को जिनको उपाधियां मिली है उनको सबको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि वे नए संकल्प से, नए आत्मविश्वास के साथ हर चुनौतियों का समाधान हमारे पास ही, हम चुनौतियों का समाधान करेंगे, ये हमारा संकल्प है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।